हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रिकी फ्रीडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, शायद आप लोग को पता ही होगा मैं हूँ अभी दिल्ली में हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बिग अपडेट लाया हूँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लाया हूँ। दोस्तों, अगर आपने भी SSC GD का आपने भी मेडिकल दे के रखा हुआ है और दोस्तों आप वेट कर रहे हो कि री मेडिकल कब होगा, तो उसके लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। क्योंकि दोस्तों मैं अभी हूँ दिल्ली पे। दोस्तों मैंने भी आप लोगों के साथ SSC GD का मेडिकल आप लोगों के साथ मैंने भी दिया है, लेकिन दोस्तों मेरा अभी री मेडिकल होने वाला है मेरा भी। तो दोस्तों क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन दोस्तों इधर कुछ दिन अभी मुझे रहना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या होगा पता नहीं। तो दोस्तों जो SSC का जो री मेडिकल का नोटिस आ चुका है दोस्तों, CRPF का ऑफिशियल वेबसाइट पे वो नोटिस आया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को नोटिस अच्छी तरह से दिखा के अभी समझाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखो, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में एक बेल आइकन दिखेगा उसको भी प्रेस करके रखना, क्योंकि जब भी इसी टाइप के अपडेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना। तो दोस्तों चलिए नोटिस को देख लेते हैं। दोस्तों ये जो नोटिस आया है आप देख सकते हो, 25 फरवरी 2020 को ये नोटिस आया है, ठीक है। तो दोस्तों ये नोटिस आया कहाँ से है दोस्तों, CRPF यानी CRPF की द्वारा ये नोटिस जारी किया हुआ है। तो दोस्तों ये नोटिस यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर आप विश्वास नहीं है तो दोस्तों ऑफिशियल साइट पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हो दोस्तों SSC GD का नोटिस आया, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये कहा गया है दोस्तों, जो री मेडिकल वाला है, इधर आप री मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो 24 मार्च से शुरू होने वाला है, यानी कि दोस्तों अगला महीने की 14 तारीख से लेके री मेडिकल शुरू होने वाला है। अगला महीना 14 मार्च 2020 से आपका री मेडिकल चालू होने वाला है। और दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड है वो कब आएगा दोस्तों, इधर देख सकते हो री मेडिकल का जो अवेलेबल करा दिया जाएगा आपका एडमिट कार्ड, वो मार्च महीने का फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो पहला 7 दिन के अंदर ही आपको मार्च महीने का 7 दिन के अंदर आप लोग को एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों 14 मार्च से लेकर आपका री मेडिकल होना चालू हो जाएगा, लेकिन कहाँ पे होगा वो अभी भी पता नहीं है। आप लोग को जब भी एडमिट कार्ड मिलेगा ना, उसी में आप लोग को सभी एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप मुझे मेरा वीडियो से आप लोग को हेल्प हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को विश्वास नहीं है, मैं ऑफिशियल साइट पर आप खुद देख सकते हो। तो दोस्तों इसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और साइड में एक बेल आइकन दिखेगा उसको भी प्रेस करके रखना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।